जो सही चीज है वो सही है, जो सही तरीका है वो सही है, उसका फायदा क्या होगा ये भी उसका जो है वो जस्टिफिकेशन होती है उसका। यू कैन से कि वो जरूरी क्यों है ये डिफाइन नहीं होता। सो गुड बिजनेस एथिक्स इज जस्ट गुड बिजनेस, यू हैव टू डू गुड बिजनेस, एंड इन ऑर्डर टू डू गुड बिजनेस यू हैव टू डू गुड, यू हैव टू डू राइट थिंग, दैट इज जस्ट यू कैन से द आंसर अबाउट इट। नो जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड टू डू गुड थिंग्स, नो जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड। जैसे जो सा है वो कोई भी किसी भी एंगल से आप बात कर लें कि सही काम को करने का फायदा क्या होगा, वो फायदा एक तरफ है लेकिन सही का मतलब यही है कि वही है जो आपने करना है, सही ही करना है, गलत नहीं आप कर सकते, रॉन्ग नहीं आप कर सकते हैं। तो ये जो उनसे गुड बिजनेस एथिक्स है वो इस एंगल से उसको वो डिफेंड करते हैं कि दैट इज द राइट थिंग टू डू एंड दैट इज इट, वेदर दैट गिव्स यू फाइनेंशियल बेनिफिट्स और नॉट वो एक डिस्कशन है। नो डाउट उसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हैं बट उसको छोड़ दें, फिर भी राइट थिंग जो करनी है, जो सही काम करना है आपको वही करना है, उसके फायदे या नुकसान को छोड़े बगैर, क्योंकि वो सही चीज है करने वाली। जी फॉलो किया स्टूडेंट्स इस पॉइंट को? जी जी सर सर, बिल्कुल जी, गुड एथिक्स इज जस्ट गुड बिजनेस, दैट इज इट। ये सारी बात को करने का पर्पस ये है कि बिजनेस एथिक्स के अंदर एक मेन डिस्कशन ये है, और ये जब से एथिक्स का बिजनेस के अंदर यू कैन से के पॉइंट ऑफ व्यू आया तब से लेके आज तक ये डिस्कशन चल रही है कि बिजनेस के अंदर एथिक्स की कोई जरूरत भी है या नहीं, या बिजनेस के अंदर एथिक्स का क्या काम है। बिजनेस की डेफिनेशन है एनीथिंग टू अर्न प्रॉफिट एंड दैट मस्ट बी लीगल। तो जब आप कुछ लीगल करते हुए प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो लीगल है और प्रॉफिट हो रहे हैं, तो दैट्स इट। बस आपको यही सोचना है, इससे आगे का क्यों सोचते हैं, इससे आगे की बात करने की तो जरूरत ही नहीं है कि वो लीगल है तो क्या ये भी सोचने की जरूरत है कि वो एथिकल भी है या नहीं। तो बिजनेस प्रोफेशनल्स के अंदर ये डिस्कशन अभी तक चल रही है और बहुत से लोग इसको जो सा इस बात पे डिबेट करते हैं कि यार बिजनेस है प्रॉफिट कमाना, तो आप प्रॉफिट का सोचें ना कि एथिक्स का सोचें। अगर वो लीगल है और प्रॉफिट हो रहा है तो दैट्स इट, आप उसका सोचें, बस आप ये क्यों सोचते हैं कि वो एथिकल है या नहीं है। तो इसके ऊपर जो सा है वो पहला आंसर तो लोगों ने ये उसको जस्टिफाई किया कि इसलिए क्योंकि एथिक्स है सही काम, और सही काम की कभी भी कोई जस्टिफिकेशन या उसके बेनिफिट की जरूरत नहीं होती। सही का मतलब है कि आपको करना है एंड दैट्स इट। लेकिन इसके साथ साथ भी उन्होंने इसकी जो सा है वो जस्टिफिकेशन में बेनिफिट्स भी, रिसर्च भी हुई है और इस बात को रिसर्च से प्रूव भी किया गया है, फैक्ट्स भी शो करते हैं कि जो बिजनेस एथिकल होते हैं, एथिक्स को डेफिनेटली वो कंसीडर करते हैं, उनकी रेपुटेशन बेटर होती है, उनकी गुडविल इम्प्रूव होती है, और वही रेपुटेशन वही गुडविल आपके कंज्यूमर्स को आपके साथ लॉयल भी बनाती है और उनकी सेल्स भी इंक्रीज होती है। कोई भी कस्टमर, कोई भी कंज्यूमर किसी ऐसी कंपनी का कस्टमर या कंज्यूमर नहीं बनना चाहेगा जिसकी रेपुटेशन ये हो कि वो बिजनेस अनएथिकल बिजनेस है, वो कुछ रॉन्ग कर रहा है, वो किसी भी सेंस में हो। चाहे जैसे भी बात कर रहे थे कि अपने एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरीज पे नहीं करते हैं, तो इस समय भी मेरा दिल नहीं करेगा उस कंपनी की प्रोडक्ट्स बाय करने का कि यार ये तो इनकी तो रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है। आप इसी सेंस में जो सा है वो डिफरेंट एड्स भी देखते हैं कि कंपनी अपनी रेपुटेशन को बिल्ड करने के लिए एड्स भी देती है कि जी हम पैम्पर्स की परचेज करने पे इतने पैसे हम इस फाउंडेशन को चैरिटी करते हैं,
इतने इधर कंट्रीब्यूट करते हैं, ये हमने अच्छा कर दिया। और अभी जो सा है वो रिसेंटली फ्रांस में जो मुस्लिम्स के रेलेवेंट हमारे जो सा है उन्होंने सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, तो बाप रिसेंट उसके अंदर एक बहुत बड़ा लोगों के अंदर इस चीज के ऊपर थोड़ा सा रिएक्शन देख रहे हैं। लोग फ्रांस की प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर रहे हैं, आप बड़े स्टोर्स पे चले गए उन्होंने उसको बायकॉट किया है, नॉट फॉर सेल है। टोटल का पेट्रोलियम पेट्रोल पंप है जहाँ से लोग सबसे ज्यादा फ्यूल लेते थे, वो आपको अब उतना रश उधर नजर नहीं आता, लोग अवॉइड करेंगे यार इधर से नहीं लेना, फ्रांस की प्रोडक्ट है। पीएसओ की अभी यही एड आ रही है, आपने देखी होगी कि वो इस चीज का फायदा उठाते हुए अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं कि आपके अपना पेट्रोलियम कंपनी है, आपका अपना जो सा है वो ये बिजनेस है पीएसओ। अभी रिसेंट की एड्स कमर्शियल जो सा है वो टीवी पे चल रही है, ये सारी चीजें जो सा है वो हमारे एथिक्स में आती है। जी कुछ क्वेश्चंस हैं तो पहले शहजाद से लेते हैं, शहजाद क्या पॉइंट है जी आपका? सर, मैं ये कहूंगा, सादा सी बात है, जैसे दो शॉप्स हैं, इक्वल क्वालिटी की अगर उन्होंने चीजें रखी हुई हैं तो लोग उसी के पास जाएंगे जो अच्छे, जिसके एथिक्स होंगे, जी बिल्कुल, जो जिनका अच्छे। बिहेवियर अच्छा होगा, जिनकी रेपुटेशन अच्छी होगी, जो बिजनेस रिस्पॉन्सिबल होंगे, लोग उनको प्रेफर करेंगे, लोग उनके पास जाएंगे। आप जो है इसको सर्विसेज में बड़ा देख सकते हैं कि लोग इसको अवॉइड करते हैं जिन लोगों का ऐसा हो। जी साजिद आपका पॉइंट, सजी एक मिनट जी, मैंने पहले भी कहा हैंड रेज कर लिया करें ताकि ये वन बाय वन आपकी बात सुनी जा सके। जी साजिद आपने हैंड रेज किया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके जी, आ रही है मेरी? जी अच्छा सर, मेरे जहन में एक मिसाल आ रही थी, एग्जांपल आ रही थी जी बिल्कुल बिल्कुल कि शेयर करें। हमारी एक कोई कंपनी है, हम एक मैनेजर रखना चाह रहे हैं और हमारे पास दो पार्टिसिपेंट हैं और एक मेरिट पर आ जाता है लेकिन एक नहीं है, और जो मेरिट पर नहीं है वो कंपिटेंट भी नहीं है और इतना कंसेप्चुअल स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, लेकिन किसी अथॉरिटी या एचआर आ जाता है या रिकमेंडेशन लेटर आ जाता है और हम उस बेस पे उसको रख लेते हैं। एक बिजनेस एथिक्स के लिए तो ठीक नहीं है क्योंकि वो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को नुकसान भी देगा, और हम मेरिट को छोड़कर एक सिफारिश को तरजीह दे रहे हैं जो कि एक हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को समझता भी नहीं है और उस मेरिट पे भी नहीं है, उस टेक्नोलॉजी की भी नहीं समझता। और सर दूसरी चीज हम अक्सर सुनने में आती है कि कुछ अर्सा पहले हमारी मुल्तान की मिसाल थी कि कुछ लोग जो दूध पीने की वजह से सर हालते गैर में चले गए थे क्योंकि वो दूध खराब था, इसी तरह कुछ स्वीट्स की मिसाल आती हैं कि खराब दूध की वजह से, वो भी बिजनेस के एथिक्स के खिलाफ है। नो डाउट कि बिजनेस का जो फर्स्ट पर्पस होता है कि प्रॉफिट कमाना है, लेकिन हम अपने एथिक्स को नहीं छोड़ सकते। राइट जी, ओके जी। जहां तक आपका पहला पॉइंट था हायरिंग में या रिक्रूटमेंट में, अगर आप मैरिट को छोड़ के रिकमेंडेशन को प्रेफर करेंगे तो वो सिर्फ एथिकली रॉन्ग नहीं है बल्कि वो लीगली भी रॉन्ग है। आपको शायद पता है एचआर में लॉज भी ऐसे हैं कि अगर किसी के साथ कोई बायसनेस की जाए, किसी भी यू कैन से फेवरेटिज्म की बेस पे किसी को रखा जाए या ना रखा जाए, तो इसको लीगली चैलेंज किया जा सकता है। पूरी दुनिया में इसके ऊपर लॉज भी हैं। तो जहां मैरिड को छोड़ के ऐसा काम किया जाएगा तो वो तो इलीगल भी होगा और अनएथिकल डेफिनेटली होगा। यहाँ पे दूसरी बात, आप दूध के रेलेवेंट हम देखते हैं कि ये आर्टिफिशियल जो ये बच्चों को स्पेशली दिया जाता है फॉर्मूला मिल्क, ये मदर फीड के ऑल्टरनेट नहीं है। बिजनेसेस प्रॉफिट कमाने को इसको जरूर रेकमेंड करें या प्रेफर करें, लेकिन जो मदर फीड का बेनिफिट है वो कभी भी फॉर्मूला मिल्क नहीं हो सकता। तो आप देखें तकरीबन सभी ये कंपनीज ने अपने पैकिंग के ऊपर इस चीज को डिस्क्लोज किया, लिखा हुआ कि ये माँ के दूध का निर्मल बदल नहीं है और इसको प्रेफर किया जाए कि माँ का दूध बच्चे को दिया जाए, लेकिन ये भी साथ में
हेल्पफुल है। तो ये बहुत सी चीजें जो उनसे है वो आपकी एथिक्स में एक बहुत ब्रॉडर और वाइडर कॉन्सर्न है, जिसमें काफी सारे इश्यूज आ जाते हैं। जी कामरान, आप बात करना चाह रहे हैं? अजय सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब हर ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के अंदर रूल रेगुलेशंस हर एस्पेक्ट को कवर करने के लिए बना लिए जाते हैं, तो फिर एथिक्स की जरूरत ही क्या है? अब इस मामले में आपने कहा है कि चूंकि एथिक्स वो चीज है जो सही है, सम टाइम पे इस तरह की क्रॉसरोड सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे अगर हम एथिक्स को फॉलो करें तो रूल्स बायपास होने के चांसेस होते हैं, ऑल्दो के उसमें कंज्यूमर का मतलब बेनिफिट होता है और इन रिटर्न बिजनेस को ही उसका प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, लेकिन रूल्स बायपास हो जाते हैं। तो क्या मैं पूछ रहा हूँ कि क्या एथिक्स जो है रूल्स को सुपरसीड कर सकते हैं? नहीं, आप बताएं मुझे ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पे एथिक्स रूल। सर मैं आपको बैंक की मिसाल लेता हूँ, बिलफर्ज अगर सर जैसे कि हमारे पास अगर डोरमेंट टू एक्टिव टाइप के अकाउंट होते हैं और जो आजकल हमारी करंट सिनेरियो है फैटफ का और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का, तो इन केस अगर एक सॉफ्टवेयर उस टाइम वर्किंग ऑर्डर में नहीं होता, हमारे पास कोई ऐसा बुजुर्ग कस्टमर आ जाता है जो मतलब जिसके लिए बार बार आना मुश्किल है, तो हम समझते हैं कि कस्टमर जेन्युइन है और पर्सनली हम इसको वेरीफाई पहले भी कर चुके हैं उसकी जेनरस, लेकिन रूल कहते हैं कि आपने इसका नादर एवेलेसिस इन द टाइम ऑफ डोरमेंट टू एक्टिव दोबारा से लेना है, लेकिन हम कस्टमर को फैसिलिटेट करते हैं, एथिक्स हमारे ये कहते हैं सोशल एथिक्स के बुजुर्ग बंदर, तो बार बार इसको चक्कर ना लगवाएं, जब हम इसको पर्सनली जानते हैं तो हम उसको अकोमोडेट कर देते हैं। अब रूल्स के तो खिलाफ है, अब कस्टमर अगर ये देखेगा कि इस बंदे ने हमें रूल्स के जाके वो अकोमोडेट किया है, तो नेक्स्ट टाइम भी वो प्रेफरेंस उस बैंक को या उस बिजनेस को ही देगा जहाँ पे उसको पहले अकोमोडेट किया गया है। तो मैं इससे पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे बिजनेसेस का लॉस कोई ना हो, उसी रेफरेंस में है, लेकिन हम रूल्स को वायलेट नहीं करें। अगर रूल्स को वायलेट करें तो वो अनएथिकल भी होगा। एथिकल के सेंस में हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम उन बुजुर्ग को कंपनसेट कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो हम एथिकल है। जहाँ पे हम रूल्स को वायलेट कर रहे हैं वहां पे हम एथिकल भी नहीं है, कि रूल्स बनाए हैं उनकी जो भी प्री रिक्वायरमेंट्स है, जो भी कंडीशंस है, वो पूरी करके ही हम काम करें तो वो सही काम होगा। किसी पर्सनल फेवर में या इस तरह के एहसास में आप कर दें तो वो कल को ऐसा भी हो सकता है जो आपके लिए किसी तरह से कोई डिसएडवांटेज भी बन सकता है। तो एथिक्स रूल्स को सुपरसीड नहीं करेंगे या इस सेंस में नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एथिकल होने के लिए समटाइम पॉलिसीज और रूल्स को वायलेट कर दें, इसको हम एथिक्स नहीं कहते। अच्छा सर, मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ इस तरह से हुई है कि रूल्स तो मतलब हर बिजनेस बनाता है, करने ही करने, ऑलमोस्ट हर तरह का एस्पेक्ट कवर कर लें, तो मतलब ये जो एथिक्स हैं ये रूल्स के बाद, रूल्स को अप्लाई करने के रूल्स के बाद वो चीजें जिनको मैंने भी कहा, वो ऐसे राइट्स एंड नॉर्म्स जिनको आप इंपोज नहीं कर सकते, जिनको आप रूल्स नहीं बना सकते, जिनके ऊपर सख्ती से आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, कोई सजा नहीं रख सकते कि वो ऐसे रॉन्ग्स हैं, तो उनके लिए जो उनसे है वो ये है। और दूसरी बात ये है कि ये फिर आपके वाली पॉइंट इसमें भी आता है कि ये वो राइट्स एंड रॉन्ग हैं जिनमें बहुत ज्यादा क्लियर डिफरेंस भी नहीं है, बल्कि ये राइट्स एंड रॉन्ग ब्लर हैं। ये राइट्स एंड रॉन्ग के अंदर सही और गलत क्या है उसकी कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है। अभी जैसे आपने ही बात की, बुजुर्ग है उसको बार बार चक्कर लगवाना सही है ये गलत है, कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए तो आधे कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आप दोबारा बुला रहे हैं, आपको पता भी है बिला वजह बुला रहे हैं, वो गलत है। कुछ कहेंगे नहीं सही है क्योंकि रूल कह रहे हैं। तो सही और गलत के अंदर क्लियर नहीं है बल्कि ब्लर है, वेग है, धुंधला सा है। सही और गलत जो है उसकी कोई क्लियर डेफिनेशन ना हो उसको हम एथिक्स में लेते हैं। यहाँ पे पर्सनली आपने चूज करना होता है सही क्या गलत है। मैं आपको एक और इसकी एग्जांपल देता हूँ, शायद मैंने आपके साथ शेयर की हो, कि सपोज हम एथिक्स के एथिकल डायलेमा इस सेंस में लेते हैं कि एक सिनेरियो आपके साथ शेयर करता हूँ। एक जो उनसा है वो लेडी अपनी बच्ची के साथ मार्केट में जाती है, वो मार्केट में एक टॉय शॉप पे बाहर शो केस में उसको एक टेडी बियर नजर आता है,
वो उस बच्ची को बड़ा अट्रैक्ट करता है और वो डिमांड कर दी है कि मुझे ये परचेज कर दे, उसकी माँ नहीं लेके देती मौके पे, उसको पेंडिंग कर देती है कि मेरे पास पैसे नहीं है अभी नहीं लेना, वो चले जाती है। बच्ची को इतना पसंद आता है, उसकी इतनी अट्रैक्शन होती है कि वो उसको लेने की खातिर बहुत ज्यादा सेंटी हो जाती है और बीमार हो जाती है। उसके जाने के बाद कुछ टाइम के बाद होता है एक और पर्सन आता है और वो टेडी बियर देखता है कितने का जी, वो कहता है स्पोर्ट 500 का है, वो कहता है मेरी पॉकेट में 500 नहीं है, ये 200 है, आप ये ले लें, ये मेरा आप रिजर्व कर लें, मैं आपसे कल 300 दे के तो ले जाऊंगा। वो पैसे एडवांस दे के बुक कर जाता है कि कल ले लेगा। वो पहले वाली जो लेडी है उसकी बेटी, उसकी टेडी बियर को इतना ज्यादा वो अट्रैक्ट किया था कि वो लेने की खातिर बीमार हो गई। अब वो लेडी उस शॉप पे आती है और आगे कहती है मुझे टेडी बियर चाहिए। वो शॉपकीपर कहता है जी ये तो मैं एडवांस ले चुका हूँ और सेल हो गया, कल उनको देना है। वो लेडी कहती है जी मेरी बच्ची बीमार हो गई है और वो ये चीज डिमांड कर रही है, उसको ये मिलेगा तो वो ठीक होगी वरना उसकी जान जा सकती है। अब उस शॉपकीपर को क्या करना चाहिए? अगर वो उस लेडी को इनकार करता है तो ये भी गलत होगा कि वो जो उनसे उस बच्ची की जान बचाने के लिए जो है वो उसको टेडी बियर नहीं दे रहा। अगर वो दे देता है तो वो भी गलत होगा कि वो कमिट कर चुका है, वो सेल आउट कर चुका है, वो एडवांस ले चुका है, वो किसी और को बेच दे तो ये भी गलत होगा। तो एथिकल डायलेमास में, एथिकल सिनेरियोस में हम समटाइम कहते हैं कि दैट इज नॉट अबाउट चूजिंग बिटवीन टू राइट्स, दैट इज चूजिंग बिटवीन टू रॉन्ग्स। लेस रॉन्ग को चूज करना है, ये एथिक्स है। अब इसमें दोनों गलत है, देना भी गलत है ना देना भी गलत है, दोनों चीजें गलत है। लेस रॉन्ग को चूज करना वो एथिक्स है। तो एथिक्स जो सा है वो इन रूल्स एंड रेगुलेशन से कुछ थोड़ा सा जो सा है वो डिफरेंट होते हैं। जी पॉइंट स्टूडेंट्स को पॉइंट हो ओके जी, देन बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू एक्शंस एन ऑर्गेनाइजेशन टेक्स बियॉन्ड व्हाट इज लीगली रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट और एनहांस द वेलबींग ऑफ लिविंग थिंग्स। सो जो लीगल है वो तो करना ही करना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्शन टेकन बियॉन्ड जितना एटलीस्ट रिक्वायर्ड है उससे बढ़ के सोसाइटी या लिविंग थिंग्स की वेलबींग, उनकी फायदे, उनके भलाई, उनके बेनिफिट के लिए कुछ करना, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सस्टेनेबिलिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट दैट ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन एंड एक्शंस प्रोटेक्ट मेंट एंड प्रिजर्व रादर देन हार्म और डिस्ट्रॉय द नेचुरल एनवायरनमेंट। बिजनेस के ऑपरेशंस और एक्शंस एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट मेंट और प्रिजर्व करें, ना कि उनको नुकसान पहुंचाए और डिस्ट्रॉय करे। ये सस्टेनेबिलिटी है, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। व्हाई गुड एथिक्स इज गुड बिजनेस, इस पे बात हो गई। एक तो ये सबसे बड़ी डेफिनेशन और डिफेंड तो ये है कि ये सही काम है और डूइंग गुड इज व्हाट इज राइट थिंग। लेकिन इसके साथ साथ डूइंग बिजनेस एथिक्स पे इसके ऊपर भी रिसर्च हुई है और रिसर्च यही प्रूफ करती है कि बिल्कुल बिजनेस एथिक्स पे भी करते हैं। अगर आप एथिकल बिजनेस करेंगे तो लोग आपके लॉयल भी होंगे, रिपीट परचेज भी करेंगे, रेपुटेशन का फायदा भी होगा, ये आपको फाइनेंशियल टर्म्स में भी पे करता है। सो डज इट पे टू बी एथिकल? यस इट पेज टू बी एथिकल, और उन कंपनीज के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहतर होती है जो एथिकल बिजनेस करते हैं। ये 7 प्रिंसिपल ऑफ एडमायरेबल बिजनेस एथिक्स कुछ गिवन है जी, कि आपका भी ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए आपके बिजनेस को, लोग ट्रस्ट करें आप पे, आपके लोगों पे, आपके एम्प्लॉइज पे। कोई पर्सन उस कंपनी के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता
जिस पे वो ट्रस्ट ना करे. बी ओपन माइंडेड. ओपन माइंडेड हो, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करने के भी यू कैन से टॉलरेंस रखनी चाहिए. लोगों का फीडबैक लें कि जी हमारे बारे में बताएं हम एथिकल हैं या नहीं है. ऑनर ऑल कमिटमेंट्स एंड ऑब्लिगेशंस, अपनी सारी कमिटमेंट्स और ऑब्लिगेशंस को कंपल्सरी तौर पर मीट करें. डू नॉट मिसरिप्रेजेंट, एग्जैजरेट और मिसलीड विद एनी प्रिंट मटेरियल्स. ना एग्जैजरेट करें ना मिसरिप्रेजेंट करें. बी विजिबली रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी सिटीजन. Utilize your accounting practices to identify and eliminate questionable activities. Follow the motto, do unto others as you would have them do unto you. दूसरों के साथ वो करें जैसा आप चाहते हैं कि दूसरों आपके साथ करें. ये सबसे बड़ा कदम मोटो है. वो करें जो आप भी एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे आपके साथ करें. अपने लिए और दूसरों के लिए और ऐसे स्टैंडर्ड्स ना सेट करें कि खुद दूसरे के साथ कर लें तो कहें जी खैर है, जब दूसरा वैसा ही करे तो आप कहेंगे तो इसने गलत किया, इसने मेरे साथ बुरा किया. वैसे ही करें दूसरों के साथ जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे आपके साथ करें. सो ये जो उनसा है, कुछ अनएथिकल एक्शंस हैं. मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग बड़ा एक कॉमन सी प्रैक्टिस है. एडवर्टाइजमेंट ऐसी दे देना जो मिसलीडिंग हो. स्टार्ट में टेलीकॉम ने बड़ा इस चीज को किया था, 1 रुपए की कॉल और ऊपर स्टैरिक लगा था, नीचे लिखा था वो पता नहीं कोई स्पेसिफिक टाइम में थी, वो कोई उसके ऊपर टैक्सेस थे. मतलब अक्सर ऐसे होता है ऐड देके ले लेते हैं, जाके जब चीज बाय करते हैं या करते हैं तो असल में वो होते नहीं है. तो ये लोग इस चीज पे ट्रस्ट नहीं बिल्ड करते, भी कहते हैं ये भाई झूठ है, लोग बिलीव ही नहीं करते. एनवायरमेंटल हार्म, पुअर प्रोडक्ट या सर्विस सेफ्टी, पैडिंग एक्सपेंस अकाउंट. अपने एक्सपेंस अकाउंट को यू कैन से कम करना ताकि प्रॉफिट को ज्यादा शो किया जाए. इनसाइडर ट्रेडिंग है, ये पता है इनसाइडर ट्रेडिंग किसको बोलते हैं? जी सर. क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज में यूज होता है. सॉरी तो ये कंपनीज के जो इनसाइडर्स होते हैं वहां से कोई इंफॉर्मेशन निकाल के पता लगा लेते हैं कि अब कंपनी के शेयर्स की कीमत बढ़ेगी तो पहले खरीद लेते हैं, इस तरह करके ना इनसाइडर. जी एग्जैक्टली, बिल्कुल राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. स्टॉक मार्केट से रेलेवेंट है, कंपनी जिनके शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं वहां पे ये रूल भी है, लॉ भी है कि कोई कंपनी का पर्सन जिसके पास कंपनी की इनसाइडर इंफॉर्मेशन है कि कंपनी इस साल अपने अकाउंट्स में प्रॉफिट शो करने जा रही है या लॉस शो करने जा रही है या डिविडेंड डिक्लेयर करने जा रही है, इस सारी इंफॉर्मेशन का इंपैक्ट उनकी शेयर प्राइस पे होता है. अगर कंपनी ने लॉस शो कर दिया तो आपकी शेयर प्राइस एकदम से गिर जाएगी. अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो आपकी शेयर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी. तो अगर किसी इंसाइडर को ये बात पता है और वो कंपनी के शेयर्स को बाइंग या सेलिंग करे प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो अनएथिकल भी है और इलीगल भी है. डंपिंग बैंड और फ्लॉड प्रोडक्ट्स इन फॉरेन मार्केट्स, जो आपकी एक कंट्री के अंदर प्रोडक्ट बैन हो गई है, डंप हो गई है, एक्सपायर हो गई है या क्वालिटी के ऊपर पूरी नहीं हुई, तो आप किसी और कंट्री में जाके सेल आउट कर दें, ये भी अनएथिकल है. नॉट प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन एंड माइनॉरिटीज. Overpricing is also unethical. Sexual harassment and using company funds or resources for personal gain. बड़ी एक कॉमन सी प्रैक्टिस है, हमारे यहाँ पे भी की जाती है, कंपनी के रिसोर्सेज को पर्सनल फायदे के लिए यूज करना. सो ये कुछ एथिकल इश्यूज हैं जी. इन एथिकल इश्यूज को एड्रेस करके आप अपने बिजनेस में एथिकल कल्चर बिल्ड कर सकते हैं. और आज जैसे लॉज के लिए या रूल्स के लिए बड़े क्लियर रूल्स होते हैं, एथिक्स के रूल्स नहीं होते हैं, एथिक्स के कोड्स होते हैं. हम उनको कोड्स ऑफ एथिक्स बोलते हैं, गाइडलाइंस होती हैं. आप गाइडलाइन देते हैं कि आपको इस सिचुएशन में ऐसा करना है या आपको ये राइट एंड रॉन्ग को फॉलो करना है.
कुछ एथिकल इश्यूज जो ज्यादा हाईलाइटेड हैं आजकल, उनमें जी प्रोडक्ट सेफ्टी है, एम्प्लॉई हेल्थ है, सेक्सुअल हरासमेंट है, एड्स इन द वर्क प्लेस है, स्मोकिंग है, एसिड रेन है, एफर्मेटिव एक्शंस है, वेस्ट डिस्पोजल है, फॉरेन बिजनेस प्रैक्टिसेस है, कवर अप्स है, टेक ओवर टैक्टिक्स है, टेक ओवर टैक्टिक्स बोलते हैं जो एक्विजिशंस है उनके रेलेवेंट, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के रेलेवेंट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक पर्सन जिसका पर्सनल इंटरेस्ट भी है और उसके बाद उसी से रेलेवेंट कोई पोजीशन है बिजनेस के अंदर, तो उसके अपने पर्सनल इंटरेस्ट और बिजनेस के इंटरेस्ट क्लैश करेंगे तो वो डेफिनेटली अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देगा, इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। एम्प्लॉई प्राइवेसी है, ये इंटरनेट सोशल मीडिया ईमेल्स कंप्यूटर्स लैपटॉप्स टैपिंग है, आपको ट्रैक किया जाता है, आपके फोन टैप किए जाते हैं, ये भी बड़ा एक एथिकल कंसर्न है, एथिकल इश्यू है आजकल। इनअप्रोप्रिएट गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट्स जिनको हम जो उनसे वो गिफ्ट्स कह रहे हैं वो रिलेट करते हैं ब्राइबरी से, कि आप जो गिफ्ट्स देते हैं कंपनीज दूसरी कंपनीज को या किसी और पर्सन को जो किसी अथॉरिटी में उसको जो गिफ्ट दिया जाता है वो गिफ्ट ब्राइबरी की सेंस में भी आता है, वो गिफ्ट नहीं होता वो ब्राइब होती है किसी डिपार्टमेंट के। अच्छा जी, सिक्योरिटी ऑफ कंपनी रिकॉर्ड्स जो हैकिंग है ये एथिकल इश्यूज हैं आजकल। सो प्रोडक्ट सेफ्टी, एम्प्लॉई हेल्थ, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक बहुत हॉट इश्यू है आजकल, रिसेंटली पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा ऐसे आपको सुनने में इंसिडेंट्स आए हैं जो कि हरासमेंट पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए हैं कि जो जेंडर है ऑपोजिट जेंडर है उनको हरास ना किया जाए। एड्स इन द वर्कप्लेस पाकिस्तान में ये इशू नहीं है लेकिन बहुत सी कंट्रीज में ये भी एक बड़ा इशू है। स्मोकिंग है हमारे रिगार्डिंग है लेकिन हमारी बहुत सी मतलब बिजनेसेस और कंपनीज में ये बैन है और आप कंपनी की प्रीमिसेस में नहीं करते हैं उसके लिए सेपरेट रूम है या कोई और उन्होंने ओपन एरियाज बनाए हैं। एसिड रेन, एसिड रेन किसको बोलते हैं जी, कोई आइडिया है? जी एसिड रेन, ओके जी, एसिड रेन जो सा है वो ये पोल्यूशन से रेलेवेंट ही है, जो आपके डेफिनेटली आपको प्रोसीजर पता है कि जो आपके पानी के वाटर के ये रिजर्वायर्स होते हैं वही इवेपोरेट्स होते हैं और बादलों से उन्हीं में वही दोबारा आपके बारिश की सेंस पे नीचे आते हैं। तो अगर आपकी यही कोई एसिड्स फ्लूइड्स कोई धुआं या और इस तरह का एसिड जो था आप ऊपर बादलों में छोड़ रहे हैं ऊपर हवा में छोड़ रहे हैं तो वो ऊपर से जब बारिश होती है तो उनके साथ बहुत से ये आपके पोल्यूटेड ज़रात जो उनसे हैं वो भी फॉल करते हैं। इसको हम जो उनसे है वो एनवायरमेंटल साइंसेस के टर्म्स में वो पोल्यूशन या एसिड को एसिड रेन की एग्जांपल लेते हैं। तो ये जो सा है ये आपकी एसिड रेन है। देन अफर्मेटिव एक्शन, अफर्मेटिव एक्शन है अफर्मेटिव जो किसी कह लें के ऐसे आपके एक्शंस जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को फायदा दें जिसमें मतलब ग्रुपिंग या फेवरेटिज्म वाली जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम इफॉर्मेटिव एक्शन बोलते हैं। फेवरेट करना, फेवरेटिज्म करना किसी एक ग्रुप
के फायदे या कोई ऐसा काम करना जिसमें एक ग्रुप को आप फायदा दे रहे हैं या उसको फोकस कर रहे हैं या उनके लिए कर रहे हैं, दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, उनको हम अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं। वो जेंडर की बेस पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, वो कोई भी पर्टिकुलर कास्ट हो सकती है, कोई रिलीजियस कम्युनिटी हो सकती है। तो आपके ऐसे एक्शन जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को या क्लास को फोकस करें, उनको देखते हुए आप एक्शन लें, बाकियों को इग्नोर करें, उनको अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं। वेस्ट डिस्पोजल एक बहुत बड़ा एथिकल इशू है। फॉरेन बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, इसमें ये भी एथिकल इशू है कि बिजनेस जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज की, अमेरिका जैसे कंट्री की बात करें तो बहुत सी कंपनीज ने अमेरिका से निकल के जाके अपने प्लांट्स उन कंट्रीज में लगाए जहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम थी। अब इसमें एथिकल इशू ये कि अगर आप अपना बिजनेस अपनी कंट्री से निकाल के दूसरी कंट्रीज में जाके यूनिट्स लगा रहे हैं तो आपके लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वो कम हो रही है, तो इसको भी हम एथिकल सेंस पे लेते हैं। कवर अप्स हैं जी, कवर अप्स का मतलब है कि मतलब चीजों को ऐसे एक्शंस जो आप छुपाना, चीजों को मतलब कवर अप कर लेना, बताना ना, डिस्क्लोज ना करना, इंफॉर्मेशन को हाइड करना, दैट इज अबाउट कवर अप्स। टेक ओवर्स मैंने बता दिया, एक्विजिशन से रेलेवेंट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, प्राइवेसी है, इनअप्रोप्रिएट गिफ्ट्स है, सिक्योरिटी ऑफ कंपनी रिकॉर्ड, ये आजकल कुछ हॉट एथिकल इश्यूज है जिनके बारे में कंट्रीज में या बहुत सी कंपनीज वो लॉज के रिगार्डिंग भी और उसके अलावा जो है एथिक्स के रिगार्डिंग भी अपने अपने स्टैंडर्ड्स वो सेट कर रहे हैं। ये इनमें से कोई पॉइंट हो जी, ये इनमें से कोई पॉइंट हो सर, ये कवर अप्स कैंडिड सर बताइए। कवर अप्स का मतलब बताया कि चीजों को कवर कर लेना, चीजों को छुपा लेना, इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज ना करना, इंफॉर्मेशन को या किसी बात को जो उनसा है वो ओपन या ट्रांसपेरेंट ना रखना, छुपाना, इंफॉर्मेशन को छुपाना और दूसरी अपनी पॉलिसीज को छुपाना, उनको कवर अप्स बोलते हैं। इस चैप्टर के अंदर जी इन्होंने तीन एथिकल इश्यूज को ज्यादा फोकस किया, तीन पे बात की है, विसल ब्लोइंग, ब्राइबरी एंड वर्कप्लेस रोमांस। वर्कप्लेस रोमांस एक एथिकल इश्यू है, अगेन हमारी कंट्री में नहीं, बाकी कंट्रीज में बड़ा सीवियर डे बाय डे हो रहा है और नाम आपको सजेस्ट कर रहा है वर्कप्लेस रोमांस, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनीज के अंदर अफेयर्स हो जाते हैं उनके बारे में है, कलीग्स का आपस में शादी कर लेना। बहुत सी कंट्रीज में और कंपनीज ने इस चीज को बड़ा स्ट्रिक्टली बैन किया है कि कोई कलीग दूसरी कलीग से शादी नहीं कर सकता या कोई ऐसा रिलेशनशिप कायम नहीं कर सकता। उसका इशू क्या होता है? डेफिनेटली इशू ये है जब आप किसी को पसंद करेंगे, जहाँ पे एक बॉस अपने सबॉर्डिनेट के साथ कोई ऐसा रिलेशनशिप अफेयर वाला या शादी वाला रिलेशनशिप कायम कर लेगा तो वो उनको फेवरेटिज्म में भी आएगा, फेवर भी मिलेंगी, वो उस चीज को जो आपकी एनवायरनमेंट है, कल्चर है, उसको भी डिस्टर्ब करेगा। तो इस चीज के ऊपर ये वर्कप्लेस रोमांस को जो है वो एक नया मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट पुराना हो गया, अब ये एक नया जो एथिकल इशू है वो अराइज हो रहा है डे बाय डे कि वर्कप्लेस के ऊपर इस चीज को भी रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि कोई भी कलीग मेल किसी फीमेल के साथ किसी तरह का कोई रिलेशनशिप जो है वो नहीं रख सकता। और इस चीज को बड़ा स्ट्रिक्टली जो है वो इम्प्लीमेंट भी किया गया कि अगर कोई शादी करेंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा। इस तरह की जो वो एथिकल सिनेरियोस हैं वो कंपनीज में बिल्ड हो रहे हैं। ब्राइबरी है अगेन बड़ा कॉमन सा और बड़ा इम्पोर्टेंट एथिकल इशू है। अब ब्राइब क्या है, इसके अंदर भी बड़ी ब्लर्ड सी इसकी डेफिनेशन है। अभी जैसे बात हो रही है कि गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट को गिफ्ट समझें या ब्राइब समझें, तो बहुत से केसेस में कंपनी कंट्रीज के अंदर गिफ्ट्स को भी ब्राइब कहा जाता है कि कोई भी फायदा लेने के लिए कोई भी पर्सन जो किसी चार्ज में है, अथॉरिटी में है, जो किसी पोजीशन पे है, उसको कुछ भी देना इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट करते हुए, तो उसको ब्राइब
कंसीडर किया जाता है। विसल ब्लोइंग बोलते हैं जी, अगर आप कुछ गलत होता देख रहे हैं तो उसके बारे में आप बता दें किसी को, विसल ब्लो कर देना, बताना कि भाई मुझे पता, मेरे नॉलेज में आ गया कि कंपनी या मैनेजमेंट ये गलत कर रही है, तो मैं उसके बारे में बता दूं। अब नॉर्मली होता है कि जो भी बताता है उसको सबसे बड़ा डर ये होता है, रिस्क ये होता है कि पता नहीं मेरा क्या होगा, बाद में मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा। तो विसल ब्लोइंग के ऊपर लॉज बनाए गए और प्रोटेक्शन के ऊपर है कि अगर कोई पर्सन बताता है, कुछ गलत होता देखता है और वो बता देता है, तो उसकी कैसे प्राइवेसी को, सीक्रेसी को और उसको इंश्योर करना है, ये विसल ब्लोइंग है। तो ये तीन इश्यूज इसमें डिस्कस हुए हैं, इनको रीड आउट कर लीजिएगा। हमारे सेशन का टाइम एंड हो गया, तो कोई पॉइंट हो तो फिर वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ये यहाँ तक आप जरूर इसको रीड आउट कीजिएगा और कुछ